बैरुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र में युवक पर फायरिंग करने के मामले में पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक यूपी के रामपुर क्षेत्र शारदा कॉलोनी निवासी दीपक ने शिकायत दर्ज कराई थी। उसने बताया था कि मेडिकल से दवाई लाने के दौरान बाइक पर सवार चार युवकों ने उससे मारपीट की। इसके बाद फायरिंग कर जान से मारने की धमकी भी दी। शिकायतकर्ता ने पुलिस से आरोपियों पर कार्यवाही की मांग की है। एसपी सिटी मनोज कत्याल ने बताया कि मारपीट और फायरिंग के आरोपियों को ब्लैक रोड से गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके पास से अवैध हथियार भी बरामद किए गए हैं। रुद्रपुर से मुकेश बछेती के। ये प्रकरण कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत हुआ था, जिसमें घटना 24 तारीख की है, जिसमें हमने परसों कल इसमें एक अभियोग पंजीकृत किया था। 307 सहित अन्य सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। तो क्योंकि प्रकरण काफ़ी गंभीर था और इसमें फायर किया गया था और फायर के दौरान एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल भी हुआ था, तो उसके आधार पर हमने इसमें जो सर्च ऑपरेशन चलाया और इसमें जो भी चार अभियुक्त थे उन सभी को हम लोगों ने अरेस्ट कर लिया है और साथ में जो वेपन यूज हुआ था घटना कारित करने में उस वेपन को भी रिकवर कर लिया है। और इसमें मैसेज एकदम क्लियर है, जो भी कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी।